नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस दुर्रानी। आज हम बनाना सीखेंगे जर्दा। जर्दा बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उनमें शामिल हैं चावल एक पाव, पानी हस्ब ज़रूरत, चीनी आधा पाव, जर्दे का रंग 1 टीस्पून, केवड़ा 1 टेबल स्पून, कटे हुए बादाम 1 टेबल स्पून, कटे हुए पिस्ते 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ खोपरा 2 टेबल स्पून, ऑयल हाफ कप, कलाकंद आधा पाव, सब्ज इलायची 1 अदद। तरकीब, सबसे पहले चावलों को 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। अब आप एक पतीली लें, उसमें चावल, पानी और जर्दे का रंग डाल के उसे एक कनी उबाल लें। जब आपके चावल एक कनी उबल जाएं, तो फिर आप इसे एक छन्नी में डालें ताकि चावलों का पानी निकल जाए और चावल आपकी छन्नी में ही रह जाएं। अब आप एक पतीली लें और फिर उसमें ऑयल डालकर गरम कर लें, फिर इसमें सब्ज इलायची डालकर उसे अच्छे से कड़कड़ा लें। अब इस पतीली में आधा कप पानी डालें और चीनी डालें और इसे चमचे से तब तक चलाएं जब तक आपकी चीनी हल ना हो जाए। जब चीनी हल हो जाए तो इसमें आप उबले हुए चावल डाल दें और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद आप इसमें बादाम, पिस्ते, पिसा हुआ खोपरा और केवड़ा डालकर इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख दें। 10 मिनट के बाद आप इसमें कलाकंद छोटी छोटी करके डालें और दोबारा इसे अच्छे से मिक्स कर दें। फिर इसे मजीद 2 मिनट के लिए दम पे रख दें और चूल्हा बंद कर दें। आपका बेहतरीन सा जर्दा तैयार है। ट्रे में निकालें, सर्व करें और इंजॉय करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।